हे हेलो टू एवरीवन, दिस इज एविड एकेडमी। अभी तक आप लोगों ने ये न्यूज़ सुन लिया होगा कि जोशीमठ डूब रहा है, पर कारण क्या है इस जोशीमठ के डूबने का? क्यों बहुत सारे घरों में दरारें पड़ रही हैं? अगर आपने कभी केदारनाथ या बद्रीनाथ की यात्रा की होगी तो आपको पता होगा कि आखिरी पड़ाव जोशीमठ आता है। जोशीमठ एक खूबसूरत शहर है, लेकिन यहाँ के 600 से भी ज्यादा मकानों में दरारें पड़ गई हैं, वो टूट रहे हैं। क्या कारण है कि पूरे शहर को खाली कराने की नौबत आ गई है? क्या कारण है कि मुख्यमंत्री राहत कोष से, कंटिंजेंसी फंड से 4,000 रुपए निकाल करके इन लोगों को दिए जा रहे हैं? जिनका घर उजड़ रहा है उनके लिए 4,000 क्या ही मायने रखते हैं? सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल। क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये सिचुएशन इतनी भयावह शक्ल ले चुकी है? उसको थोड़ा सा समझते हैं हमारे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है ग्लेशियर डेब्रिस या फिर लैंडस्लाइड डेब्रिस के ऊपर ये पूरा शहर का बसना। इसका फाउंडेशन ही बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है, कभी भी पूरा फाउंडेशन धस सकता है, यानी कि ये पूरा घर ही धस सकता है। बहुत पहले मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट जब आई थी उसमें ये लिखा हुआ था कि ये लैंडस्लाइड के ऊपर शहर बस रहा है, आपको यहाँ पर चारों तरफ ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे क्योंकि वाटर परकुलेशन बहुत ज्यादा होता है। ऐसे जमीन पानी खींचती है, जब पानी खींचती है तो लैंडस्लाइड होने का जो चांसेस होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है। उसके साथ साथ जोशीमठ जो है वो सिस्मिक जोन 5 में है, अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, टेक्टोनिकली एक्टिव एरिया है, कभी भी यहाँ पर अर्थक्वेक आ सकता है। उसके साथ साथ जो प्रेशर पॉपुलेशन और टूरिस्ट ने इस लैंड के ऊपर डाला है वो और ज्यादा इसको वल्नरेबल बना दिया है। बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जोशीमठ में चल रहे थे, उसके आसपास चल रहे थे, वो भी एक कारण है उत्तराखंड के जोशीमठ का सिंक करने के लिए। थोड़े से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को देखते हैं। एनटीपीसी का तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, हेलांग बाईपास, ओली रोपवे। ओली रोपवे तो वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट रोपवे है। ये सारे जो डेवलपमेंटल प्रोसेस चल रहे हैं जोशीमठ के आसपास, जोशीमठ में, ये बहुत ही ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं ऐसे एरिया के ऊपर जो कि पहले से ही वल्नरेबल था। उस एरिया को सिर्फ सस्टेन करना था, वहां डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स नहीं लाने थे, उस जगह को तो सिर्फ सेव करने के लिए हजारों हजार ट्री लगाने की जरूरत थी ताकि कम से कम और ज्यादा लैंडस्लाइड ना हो। आपने उसके ऊपर क्या किया, बहुत ही ज्यादा प्रेशर डाल दिया। अब उम्मीद तो यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिल करके कम से कम यहाँ के लोगों को सेफली कहीं एक जगह पर लाए। एक आदेश मिला है कि 2000 घर फैब्रिकेटेड हाउस बनाए जाएं, क्योंकि कभी भी सिचुएशन जो है वो बद से बदतर हो सकती है। उसके साथ साथ एक साइंटिफिक स्टडी तुरंत कराने की जरूरत है कि कितना समय बचा है और क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिससे कि ये पूरे जोशीमठ को बचाया जा सके। सो दीज वर द पॉइंट्स रिलेटेड टू उत्तराखंड जोशीमठ। इफ यू लाइक द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड थ्रू दिस वीडियो, यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। शेयर दिस वीडियो, सब लोगों को पता चलना चाहिए कि अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट से किस तरह से एक पूरा शहर बर्बाद हो सकता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।